अगर देश के किसानों की हालत नहीं सुधरी तो आने वाला कल अंधेरे में खो जाएगा। ये मत देखना कि अत्याचारी कौन है, याद रखना जिंदा कौमें 5 साल तक कभी इंतजार नहीं करती। विरोध प्रदर्शन हमारा हक है। ये विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और देख लीजिए कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। दायर साहब, कसम से कह रहे हैं, एक नंबर का अव्वल दर्जे का गजब का पहलवान है वो मुलायम भाई। साली के और बंद करो उसका गुंगा। लग रहा है ना बिल्कुल पहलवान की लुगाई। बस एक मौके की तलाश में हूँ नथुराम जी, दुनिया को बता देंगे कि सरकार कैसे और किसके लिए चलाई जाती है। आज के बाद दंगल नहीं, राजनीति की कुश्ती होगी। ताजा तूफान है, सही दिशा मिल गई तो बड़े बड़े खेमे को उखाड़ फेंकेगा। एक बात याद रखना शिव, मैंने अखाड़ा बदला है, दंगल नहीं छोड़ा। इमरजेंसी की सारी तैयारियां हो चुकी है। राजनीति में दांव पे जरूरी जरूर होती है, लेकिन संविधान के संग खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये छोटे बड़े जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं ना, जस्ट पुट देम बिहाइंड बार्स एज सून एज पॉसिबल। चिंगारियां शोले में बदल सकती है, बुझा दो सबको। पार्टी बनाना और पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है। हम महाभारत के अर्जुन हैं और हौसले का दूसरा नाम मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया। टकराव है तो वो है उसूलों की, हक की। जिंदा कौमे 5 साल तक इंतजार कभी नहीं करती। मेरा दिल कहता है कि ये मुलायम आने वाले समय में मुलायम नहीं रहेगा, लोग नेताजी के नाम से जानेंगे इसे।